आओ बेटी आओ। ये तेरे नाना नानी का घर है, 18 साल से बन पड़ा था। ओफो, क्या हालत हो गई है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला यहां आने का। कहीं जाकर दिल को राहत मिली है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तू 6 महीने की थी जब हमने तुझे रजिया के हवाले किया था और उसे कहा था कि तुझे शांति निकेतन में रखे। सलमा राज और मैं तरस जाते थे तुझे देखने के लिए, तब रजिया तुझे छुपा कर ले आती थी हमसे मिलाने। तू 3 साल की होने वाली थी, एक दिन मैं तुझसे मिलने आई तो मुझसे कहा गया कि तू खो गई है, मेरी सितारा खो गई है। तुझे ढूंढने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया, तू नहीं मिली। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर का एक अंग टूट गया हो, मैं हार गई, टूट गई, मर ही जाती। लेकिन एक हल्की सी उम्मीद थी कि तू मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। आज आज मेरी सितारा मुझे मिल गई है। सितारा, मुझे माफ कर देगी ना? ना। तुमने आज का पेपर पढ़ा? लैला मिनिस्टर साहिबा बरखा की अपनी नाजायज बेटी है। ये बात उसने मान ली? जबकि इसकी वजह से उनकी कुर्सी भी छीनी जा सकती है। कसम से भाई, बड़ी बोल्ड औरत है। नहीं, बल्कि बहुत कमजोर मां है जो बेटी के आंसुओं से टूट गई। एक मिनिस्टर से बदला लेना बहुत मुश्किल होता है, पर एक मां से हम बहुत आसानी से इंतकाम ले सकते हैं। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं राय साहब, ये इंतकाम का डिपार्टमेंट मेरा है, मैं संभालूंगा। मैं बड़े काम की चीज हूं। करण, मैं लैला बोल रही हूँ। अरे लैला, कहाँ हो तुम? मैं जब से आया हूँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जानते हो करण, मुझे मुझे मेरी माँ मिल गई है। मेरी माँ? करण, क्या माँ मिल गई? कौन है वो? मेरी माँ, मेरी माँ बरखा देवी है। बरखा देवी? उन्होंने मुझे सबके सामने स्वीकार कर लिया। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। करण, जल्दी आओ। ओके, बाय। सितारा। हाँ माँ। मैं जरा दफ्तर होकर आती हूँ। माँ, मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ बताओ ना। क्या देख रही है? मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनील के साथ जीवन बिताने के लिए न जाने मैंने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हमें झगड़ा हो जाता। एक दिन हम अर्जुन सिंह की पार्टी से लौट रहे थे, उस शाम
उसने मुझे ऐसी बात सुनाई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ सालों के लिए अमेरिका ट्रेनिंग में जा रहा हूं। रियली? तो फिर हम शादी करके इकट्ठे चलेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। सुनील, तो मेरा क्या होगा? तुम्हें इंतजार करना होगा। आर यू मैड सुनील? मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम दोनों शादी करके अमेरिका क्यों नहीं जा सकते? तुम तो शर्त लगा रही हो। बरखा, शर्तों पर प्यार नहीं होता। सुनील, तुम्हें सिर्फ अपने करियर से प्यार है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे करियर के लिए मैं अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दूं? यू आर अ सेल्फिश मैन। ओह शिट, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आई लव यू वेरी वेरी मच, पर मेरी भी कोई मजबूरी है। मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं सुननी। तुम अमेरिका जाना चाहते हो, जाओ, चले जाओ अमेरिका। मुझे अपने हाथ पर छोड़ो। बरखा, मेरी बात तो सुनो। सुनाई, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चले जाओ अमेरिका। Just leave me alone. Leave me alone. उस दिन के बाद मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। थोड़े ही दिनों के बाद वो अमेरिका चला गया। एक दिन मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने होशो हवास खो बैठी। ऐसे में राज और सलमान ने मेरा साथ दिया। सुनील कहाँ गया, किस हाल में है, मुझे आज तक पता नहीं चला। सितारा, मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, लेकिन उम्मीद है तेरे हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरे वाह, अकेली ही बेटी के प्यार पर हक जता रही है, हम भी अपना हिस्सा लेने आए हैं। यादों का इंसान की जिंदगी में एक खास मकाम है। आज बीते हुए दिनों को याद करके कितना मजा आएगा। पहले तो हम तीन सहेलियां थी, आज हमें हमारी चौथी सहेली भी मिल गई। बातें करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और बस पता भी नहीं चलेगा कि सुबह दोपहर शाम कब कट गई, है ना? तुम अपनी नई सहेली से बातों का सिलसिला शुरू करो। मैं दफ्तर जाकर इस्तीफा देकर आती हूं। जल्दी। अच्छा, रसगुल्ले लाना मत भूला। हाँ हाँ, ले आऊंगी। अरे सुनो, बरखा कहने से पहले किचन का सामान तैयार करते हैं। चलो चलो चलो। लगा, अच्छा लगा। लगा, ये भी अच्छा लगा। पकड़ो। ये भी अच्छा लगा। रुक जाओ। ये अच्छा नहीं लगा। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो भेजा उड़ा दूंगा, समझी? चुपचाप हमारे साथ चलो, ले चलो। सितारा, आप सलमा, रामू काका, क्या हुआ रामू काका? बरखा बेटी, कुछ गुंडे सितारा और आपकी सहेलियों को उठाकर ले गए। क्या? हेलो, अर्जुन सिंह है? हेलो, मैं बरखा बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो आप आ जाइए फौरन। सितारा किडनैप हो गई है। क्या? वो यार लैला, राजीव और सलमान जी को कुछ गुंडे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे। क्या? और साथ में अंकल गोवर्धन दास भी थे। यार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। गोवर्धन दास? हाँ हाँ, बिजनेस में तो होता ही है। डैड, मैं बाद में फोन करता हूँ। लैला किडनैप हो गई है डैड। किसने किया? आपने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं डैड। गोवर्धन दास आपकी शतरंज का एक मोहरा है जो आपकी मर्जी के बिना एक कदम तक नहीं उठा सकता, इसलिए उसने ये सब आपके इशारे से किया है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। एक कैबरे डांसर के इश्क में तुम इतने पागल हो गए हो
कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका भूल गए हो। और अगर मुझे लैला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाऊंगा डैड। नहीं यू टेल मी, आप बताइए ना मुझे अब क्या कमी है उसमें। अब तो वो एक मिनिस्टर की बेटी है, आपकी तरह खानदानी है, और अब तो राय बहादुर दिग्विजय सिंह की बहू बन सकती है। क्यों, ये ठीक ही तो कह रहा है। मैं उसे इस घर की बहू बना लूं जिसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। मैं उसे इस घर की बहू बना लूं जिसकी मां ने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है। हरगिज नहीं। तुम जीते जी ये ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकते, और मैं मरते मरते भी अपना ये ख्वाब पूरा करूंगा। राय साहब करें करें। सितारा के साथ साथ सलमा और राज की जान भी खतरे में है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस को फोन करें? नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने से बात और बिगड़ जाएगी। I have an idea. कमांडो हेडक्वार्टर्स? यस। ओ यू डोंट वरी, इट विल बी डन। करें बोटे तू तो यही रुक। हाँ लगा, अच्छा लगा। अरे गोवर्धन दास ने तुम्हें पैसे किस लिए दिए? ये हमारी आपस की बात है। चल बे आपस की बात बता। अबे चलना। ये कहाँ गायब हो गया यार? ये तो गया का? ऐसा उस तरफ मुड़, उस तरफ करण उसकी बाइक, वो यही कहीं पर है। हाँ चंदू तू ऐसा कर, हाँ जाकर बरका जी को बता मैं उसे यहीं ढूंढता। ओके जा जल्दी कर। पता नहीं यही कहीं होगी। लड़की को फौरन यहां से ले चलो। ठीक है। चलो कहां बेबी?
सितारा कहाँ है? मालूम नहीं, कब से ढूंढ रहे हैं। बचाओ! अर्जुन, वो लोग सितारा को ले जा रहे हैं। अर्जुन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। ये रही आपकी अमानत। आप लोगों से इस हालात में मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। ये जिंदगी मिलना बिछड़ना सब लकीरों का खेल है। इश्क के सामने जमाने वाले हारते आए हैं। मेरी हार में कौन सी बड़ी बात है? आओ बेटी।